हाय गाइस, यू आर वाचिंग एहसन पेट्स 2.0। ये मेरा नया चैनल है। यहाँ पर सिर्फ व्लॉग होंगे, प्रोग्रेस दिखाई जाएगी, बातचीत की जाएगी। मैं आज सॉफ्ट फूड डाल रहा हूँ और मल्टीविटामिन, जो ब्रीडिंग मल्टीविटामिन होते हैं, वो डाल रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लें, ये एक बच्चा है, ये बड़ा हो गया, निकलने वाला है। और यहाँ पर जो है, और चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी अंडे नज़र आ रहे हैं, वो सामने अंडे रखे हुए हैं। यहाँ पर जो है दो बच्चे हैं, बाकी इस घोंसले से कूद गए हैं। लेइंग दोबारा स्टार्ट हो गई है इस घोंसले की। इस घोंसले में अंडे पड़े हुए हैं, यहाँ से बच्चे कूद गए हैं, लेइंग दोबारा स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर लेइंग ऑलरेडी हुई हुई है और यहाँ पर भी मेरे ख्याल से हैचिंग होने वाली है या कोई इस तरह का चक्कर है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर भी लेइंग हुई हुई है माशाल्लाह से। और यहाँ से भी ऐसा हुआ है कि बच्चे कूद रहे हैं इस वाले घोंसले से। उस वाले घोंसले में मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर बच्चे अभी भी मौजूद हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने बच्चे हैं और क्या हिसाब चल रहा है। ये देख लें आप, ये अच्छे खासे बच्चे अंदर बैठे हुए हैं। माँ भी बैठी हुई है, पता नहीं बाप है या माँ है या क्या है। ये देख, एक पीस अंदर साथ ही बैठा हुआ है और बाकी बच्चे अंदर हैं, खिला भी सही से रहे हैं उनको, अच्छे खासे बच्चे बैठे हैं अंदर। ये है। और ओवरऑल फिंचें कितनी हैं थोड़ा सा आपको शो करवा देते हैं सही तरीके से। ये देख लें, ये बैठी हुई हैं, कुछ ये बैठे हुए, कुछ वो बैठे हुए सामने ऊपर। और अभी हम कुछ नए भी छोड़ेंगे, उसका भी आपको दिखा देंगे। मैं जो सॉफ्ट फूड काटता हूँ, इसको कहते हैं कटिंग बोर्ड, कटर बोर्ड कह लें या कटिंग बोर्ड कह लें। तो इसके ऊपर जो है वो मैं कटिंग करता हूँ तमाम अपने सॉफ्ट फूड की, जितना भी सॉफ्ट फूड कटिंग करने वाला जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है चने तो इसमें नहीं काट सकते ना भाई, फिंचों का ख़र्चा ही नहीं है। चाकू देख रहे हो आप, फिंचों का ख़र्चा ही नहीं है। पालक आई हुई थी और मेरे जो मदर हैं उन्होंने पालक बनाई है, तो काटने में मेरे फादर ने और मैंने हेल्प की। तो जो पालक का कचरा है वो आपका भाई ऊपर लेकर आ गया। अब आप ये देख लें ज़रा, मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाना ज़रा अहमद, हमारे दोस्तों को दिखाना ज़रा ये। ये देख लें आप, इसमें मैं क्या क्या करने वाला हूँ, क्या क्या डालने वाला हूँ, तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी इसके अंदर। ये देख लें जी, ये हमने डाल लिया है और कुछ थोड़ा बहुत नीचे गिर गया है, इसको भी उठा लेते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि मैं कटिंग कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हम काट रहे हैं। ठीक है, ये हमने काटना शुरू कर दिया है इसको, ताकि हमारे जो बर्ड्स हैं वो आराम से इसको खा सकें। अच्छा, फिंचे जो हैं वो इसकी डंडियां जो हैं, कॉकटेल वगैरह जो होगा वो चूस लेते हैं, इसकी डंडियां खाते हैं, चबाते हैं। फिंचे भी इसी तरह करती हैं कि इसको खींचती हैं डंडियों को, चोंच से पकड़ के कोशिश करती हैं इनको फाड़ने की, और कई हद तक वो चोंच मार के कामयाब हो जाती हैं। अच्छा, ये हमने इसको कर दिया है। और ये देखें, ये दिखाना ज़रा, ये वाला जो है ये मल्टीविटामिन है बेल्जियम का। तो ये हमारे पास कार्टन्स में आता है, हम क्या करते हैं 50 ग्राम और 100 ग्राम वाली एम्प्टी बॉटल्स में फ़िलअप कर लेते हैं। जिसको जितना चाहिए होता है हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये मैं ख़ुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको कहते हैं ब्रीडिंग मल्टीविटामिन। इससे क्या होता है कि जब आप इसके ऊपर छिड़क के देंगे ना सॉफ्ट फूड के ऊपर, परिंदे सॉफ्ट फूड ज़्यादा खाते हैं और बच्चों को फीड भी अच्छा करवाते हैं। फिर जाहिर है जब परिंदा सॉफ्ट फूड ज़्यादा खाएगा तो वो फीड भी उसी हिसाब से करवाएगा। अब मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताता हूँ कि कितना कम इसको डालते हैं, यानी कि सिर्फ दो चुटकी आपने छिड़कना होगा। ये दिखाना ज़रा, ये देख लें जी, इतना हैवी है ये कि इसको आप मजाक ना समझें, ज़्यादा डालेंगे तो आपका, ये देखें, ये ज़रा दिखाना जूम करके, ये देख लें, ये समझें कि दो चुटकी तीन चुटकी होगा, दो चुटकी होगा। ये हैवी प्रोडक्ट है, इसको इस तरह से डाला जाता है। ये देखें, ये आपका भाई डाल रहा है इसको, ठीक हो गया जी, ये उड़ रहा है पंखा चलने की वजह से, बट कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा हम। अच्छा, ये ज़्यादा आपने नहीं डालना भाई, अगर आप बहुत ही ज़्यादा डाल देंगे तो आप पैसे ज़ाया होंगे। और ये दूसरी बात ये कि हैवी प्रोडक्ट है, ये वो नहीं है कि आप गैलन भर के कबूतर के मुंह के अंदर डाल देंगे और बहुत ज़्यादा तादाद में डाल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा उड़ा था तो इसलिए मैंने
थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ मोर ले लिया। अब हमने क्या करना है इसको, आपने क्या करना है, बाउल में ना लेके इसको चम्मच से हिलाना है। मैंने तो कटर बोर्ड पे आज पहली बार ऐसे आपको दिखा दिया। अब इसमें देखें मिक्सिंग नहीं हो सकती सही से, इसलिए कहता हूँ बाउल ले लें, बाउल में फिर चम्मच से ना अच्छे से हिलाएं ताकि जो मल्टीविटामिन है वो सब जगह पर बराबर पहुँच जाए। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा गंदा काम करने लगा हूँ क्योंकि वीडियो बन रही है। अब मैं हाथ से ही इसको, ये देख लें जी, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको हाथ से मिक्स कर सकूँ। ठीक हो गया, ये हमने इसको मिक्स कर लिया है। इसकी खुशबू फैलनी होती है चारों तरफ। नीचे जो गिर रहा है वो मैं उठाऊंगा, ये गंदा काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि बस वीडियो बन जाए। बाउल हमारे पास था नहीं, नीचे रखा हुआ है बाउल, मैं नीचे भूल गया हूँ, तो जल्दबाजी में बस दिखाने के लिए कि आइडिया क्लियर हो जाए लोगों को, लोग देख लेंगे कैसे बनता है। अब आप देखें जो पत्ते नुमा है ना वो मैं दूंगा फिंचेस को, ये मैंने उठा लिया, बाकी हम कॉकटेल वगैरह को बाद में डालेंगे, पहले आपको दिखा दें ये। और अभी आप देखें ये मैं फिंचों को डालने जा रहा हूँ, तो चलिए फिर वहाँ से शुरू करते हैं, इसको पॉज कर लो। सो गाइज़ ये देख लें, मैं अभी ये बच्चों को डालने लगा हूँ, बच्चे भी उतरे हुए हैं, और थोड़ा सा आपको दिखा भी देंगे कि ये खा किस तरह से रहे। ये आपके सामने, यहाँ की सफाई करनी थी बट चूँकि लाइटें वाइटें लग रही थी, बिज़ी इतना थे, ऑर्डर भी ज़्यादा आ गए थे, बहुत ऑर्डर्स आ गए थे, उसकी वजह से लिटिल बिट लेट हो गया। तो इसको हम अभी डाल देते हैं, आपको दिखाता भी हूँ। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि बच्चे ज़्यादातर यहाँ बैठ रहे हैं, इस जगह पे लेकर आना ज़रा इधर, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो है वो देखें, बच्चा दिखाना ज़रा, करीब लेकर आओ माइक, बच्चा देखें गाइस, ये बैठे हुए, ये भाग गए। तो अच्छा एक भाई ने मेरी वीडियो दिखाना, एक भाई ने पूछा कि ये बच्चे जो हैं फिंचों के, अगर ये छुप जाते हैं नीचे पिंजरों के, तो माँ बाप फीड कैसे करवाते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी है, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को जब भूख लगती है, जब हम जाते हैं, बच्चे बाहर निकल के देख रहे होते हैं पेरेंट्स को और मांगना शुरू कर देते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि बच्चों को कैसे खिला रहे हैं पेरेंट्स, आप ये देख लें। पहले मैं इसको एज इट इज़ नीचे फेंक देता हूँ क्योंकि इसको बर्तन में डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको यहाँ पर कुछ सफाई वफाई करके चीज़ें समेट के हम इसको यहाँ पर ही डाल रहे हैं। ये देख लें गाइस, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमारे बर्ड्स तमाम यहाँ पर आ रहे हैं और ये खा रहे हैं। इसको पॉज कर। सो गाइस ये देख लें, माशाल्लाह से खाने के लिए ये आ गई हैं, और थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से खा रही हैं। ये देखें, यही वजह है कि माशाल्लाह से मेरे पास ब्रीड बहुत अच्छी आ रही है। अभी आपको इनके बच्चे भी अलग से दिखा देंगे, इनके बच्चे भी इनके पीछे पीछे खाना मांगने आ जाएंगे, वो देख लें कैसे ये खा रही हैं माशाल्लाह से। थोड़ा सा गंदगी पड़ी हुई है नीचे क्योंकि काम वाम हुआ है ना, मैंने आपको बताया था, कुछ काम करवा रहे थे हम लोग, जिसकी वजह से ये सामान बिखरा हुआ नज़र आ रहा है आपको। लाइटें वगैरह लगवाई है ना, तो बच्चों के मांगने की आवाज़ आ रही है। अब पता नहीं कहाँ से मांग रहा है, ये ऊपर से मांग रहा है शायद। सो ये देखें किस तरह ये खा रही हैं तोड़ तोड़ के, और डर भी रही हैं, जैसे ही मैं थोड़ा बहुत हिलता हूँ तो डर जाती हैं, आगे पीछे हो जाती हैं। सो ये देखें माशाल्लाह से, और इतना एंजॉय करता हूँ मैं इस चीज़ को, इतना एंजॉय करता हूँ। आप कभी ऐसे खुली छोड़ेंगे ना फिंचें, जब आपके केजेस वगैरह अलग लगे हुए होंगे और जब आप खुले छोड़ेंगे बर्ड्स को, तो आपको मज़ा आएगा। सो इनके बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखें जी, नीचे कोई बच्चा बच्चा है शायद, देख लेते हैं, वो बैठा हुआ, वो आपको नज़र आ रहा होगा, जो दो बच्चे बैठे हुए नीचे, मैं आपको थोड़ा सा करीब करके दिखाता हूँ। ये देखें तीन बच्चे बैठे हुए हैं, दो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी और भी हैं कुछ, तो जैसे ही ये खिलाना शुरू करेंगे उनको, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे खिला रहे हैं उनको, ताकि आपकी भी हॉबी फुलफ़िल हो और आपको ब्रीडिंग की प्रोग्रेस भी दिखाएंगे कि कितने बच्चे कूद चुके हैं, कितने रह गए हैं। अच्छा गाइस थोड़ा सा ना ये डर रही हैं कि काफ़ी फिंचेज़ हैं नीचे, बहुत कम उतरी हुई हैं, काफ़ी हैं मेरे पास माशाल्लाह से, अच्छी खासी फिंचेज़ हैं। इनमें से कुछ फ़ीमेल प्रेग्नेंट हैं, आप सामने देख रहे हैं, ये भी फ़ीमेल प्रेग्नेंट है, जो थोड़ी सी भारी हुई है, जिसके पर फूले हुए हैं, ये काफ़ी भारी हुई है। और ये देख लें आप, ऊपर भी काफ़ी बैठी हुई हैं, अभी अच्छी खासी ऊपर बैठी हुई हैं, तो डिस्टर्ब हो रही हैं हमारे आने की वजह से, थोड़ा बहुत उनको प्रॉब्लम पेश आ रही है। ये देखें ये बच्चा मांग रहा है, ये बच्चा मांग रहा है फीड, और ये छोटा बच्चा इसी का ये, तो अब ये इनको खिलाएंगी, बट क्या है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स की वजह से मैं ख्याल कर रहा हूँ कि अब इनको तंग ना हो ये, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको बच्चे दिखा देता हूँ इनके डायरेक्टली, जो मटकियों में कुछ हैं, कुछ अभी भी रह गए हैं,
जो कूदे नहीं हैं, ये देख लें, ये अलग बच्चे हैं कुछ। आज मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ। इनमें ना कुछ लावारिस अंडे होते हैं फिंचों के, ये देख लें, ये लावारिस अंडे हैं। यहाँ पे फीमेल ने अंडे दिए और वो भाग गई, लेकिन ये अंडे ठीक हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको भी फेर देंगे। लावारिस क्यों होते हैं? मिसाल के तौर पे फिंच ने एक जगह पर अंडे दिए, वहाँ पे उसको कोई मार रहा था, तंग कर रहा था दूसरा प्यार, तो वो प्रेग्नेंट हो गई और उसने क्या किया, वहाँ डर के मारे वहाँ नहीं गई, उसने यहाँ अंडे दे दिए, उसने यहाँ अंडे दे दिए, तो ये अंडे फर्टाइल हैं, सब कुछ है, इसको हम फॉस्टर कर देंगे। फिंचों में ये मज़ा है, ये मज़ा है फिंचों में। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी बच्चे कौन कौन से हैं, ये भी देख लें, ये बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है।